तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी सैमसंग फ्लैशिंग गाइड की वीडियो नंबर 2 में। और वीडियो नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने ये बहुत अच्छे से सीख लिया था कि कैसे सैमसंग की फ्लैश फाइल को सही से डाउनलोड करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो पूरी नहीं देखी तो प्लीज आई बटन के ऊपर जाओ और वहां पर उस वीडियो को देखो और सही से फ्लैश फाइल डाउनलोड करो, क्योंकि फ्लैश फाइल ही एक ऐसी चीज है जो आपके फोन को डेड कर सकती है अगर आप सही से नहीं डाउनलोड करते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आप लोग सैमसंग के ड्राइवर्स को बिल्कुल परफेक्टली अपने कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हो, जिससे कि आपका फोन एकदम स्टेबल कनेक्शन बना पाए आपके कंप्यूटर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने गूगल के ऊपर 3-4 चीजें सर्च करके रखी हैं। सबसे पहले मैंने लिख रखा है सैमसंग फ्लैशिंग ड्राइवर। ओके, आई होप सो कि आप लोग भी इसको ऐसे लिख के सर्च कर लोगे अपने गूगल के ऊपर। जब ऐसे सर्च कर लोगे तो यहाँ देखो जो सबसे पहली वेबसाइट आ रही है। वैसे तो ड्राइवर आप लोग कई वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, बट मैं क्या चूज कर रहा हूँ जो सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आप देख सकते हो developer.samsung.com वाली ये वेबसाइट है। इसके ऊपर जब आप टैप कर दोगे तो कुछ इस टाइप से वेबसाइट यहाँ ओपन हो जाएगी। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सैमसंग एंड्रॉयड यूएसबी ड्राइवर। इसके ऊपर टैप करके इसको डाउनलोड कर लीजिए और जब ये डाउनलोड हो जाएगा आपका ड्राइवर, तो आप लोगों का ड्राइवर कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, आप लोग अपने डाउनलोड के सेक्शन में जाके इस ड्राइवर को कुछ इस टाइप से दिखने वाला चीज मिलेगा, उसको पकड़ लीजिएगा। समझ गए आप लोग। उसके बाद हमें अब क्या करना है डाउनलोड, वो है ओडिन का टूल। अब आप सोचोगे कि ओडिन टूल ये क्या है यार, थॉर वाला ओडिन है क्या? बिल्कुल नाम वैसा ही है, बट ये सैमसंग का फ्लैशिंग टूल है। यही फ्लैशिंग टूल ज्यादातर लोग यूज करते हैं। सैमसंग की जो फ्लैश फाइल है आपके फोन के अंदर कैसे जाएगी? ड्राइवर्स तो हम लोगों ने बना दिए कि फोन को और कंप्यूटर को कनेक्ट करेगा, पर वो फाइल कैसे जाएगी? उस फाइल को जाने के लिए भी तो एक सॉफ्टवेयर चाहिए ना, तो वो सॉफ्टवेयर होता है ओडिन। अब ओडिन सैमसंग आप ऐसे लिख दोगे गूगल के ऊपर, तो ओडिन टूल भी बहुत सारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये जो पहली वाली वेबसाइट है इसी को खोल लिया जाए। ठीक है, और इसी से मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। देखो अभी क्या है, यहाँ पे कई सारे वर्जन दिख रहे हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि ये वेबसाइट थोड़ी सी आपको घुमाएगी। कैसे घुमाएगी? जैसे मैंने ओडिन वर्जन 3.7 ऐसे टैप किया ना, तो यहाँ पे एक पहले तो ऐड आ गया, और इसके बाद आप देखते रहिए कैसे होगा। अभी यहाँ पे मुझे कोई डायरेक्ट डाउनलोड यहाँ पे लिख के आ रहा है, बट अभी कोई ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है मुझे डाउनलोड करने का। ठीक, अभी अब पता नहीं आप लोगों को, हो सकता है दिख जाए, बट मुझे नहीं दिखा। तो मैं अब क्या करता हूँ, ज्यादातर टाइम क्या होता है तो मैं जाता हूँ यहाँ पे वन क्लिक रूट जहाँ लिखा है ना, उसके नीचे एक और ओडिन का डाउनलोड टूल लिखा रहता है, इसके ऊपर टैप कर देता हूँ। और जब इसके ऊपर टैप कर देता हूँ तब वापस से मैं कुछ इस टाइप के पेज के ऊपर आ जाता हूँ, और फिर यहाँ पे मुझे डाउनलोड नाउ के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। है ना कमाल की चीज, पहले वहां फिर यहाँ। तो ऐसे ही आप लोग भी करो और देखो क्या पता मिल जाए। और ये टूल भी मेरा यहाँ से डाउनलोड हो गया है और यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। इस टूल को भी मैंने उठाया और बढ़िया से डेस्कटॉप पे रख दिया। हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, अभी सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो एक केबल ले ली मैंने, मेरा सैमसंग का जो फोन है उसको कनेक्ट करने के लिए केबल चाहिए ना, तो मैं पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं केबल को लगा देता हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर, और मैंने कंप्यूटर के अंदर अपनी केबल लगाई, और यहाँ पे मेरे पास सैमसंग का ये वाला फोन है। ये देख सकते हैं ये वाला फोन है मेरे पास सैमसंग का। और कैसे फाइल डाउनलोड करनी है ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, अभी मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले क्या करो, माई कंप्यूटर खोल लो, और जब माई कंप्यूटर खोल लोगे तो कुछ इस टाइप का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दिस पीसी जहाँ पे लिखा है ना, इसके ऊपर ऐसे राइट क्लिक करो, और यहाँ पे देखो मैनेज का ऑप्शन है, इसके ऊपर टैप कर दोगे तो तुम्हें यहाँ पे देखो क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं इसको अपकट कर दे रहा हूँ, और चले जाओ अपने डिवाइस मैनेजर के अंदर। अब ये खुल गया। अब यहाँ पे देखो तुम्हें बहुत सारी अजीब अजीब सी चीजें अभी देखने को मिल जाएंगी। देखना, अगर तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर सैमसंग के ड्राइवर्स नहीं डाउनलोड होंगे तो ठीक। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अपने फोन को डाउनलोड मोड में डाल रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता कैसे डालते तो मैं सिखा दे रहा हूँ। पावर बटन को मैंने दबाया, पहले अपने फोन को मैं कैसे भी करके ऑफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी अपने फोन को ऑफ कर दिए, ये थोड़ी सी टोन बज रही है इस फोन के अंदर। ठीक है, ऑफ हो गया हमारा फोन। अभी आपको क्या करना है कि ये जो प्लस है और ये जो माइनस है, ये जो दो बटन है ना, इन दोनों बटनों को ऐसे दबाए रखिए, इन दोनों बटन को ऐसे। ये देखिए प्लस माइनस मैंने दबाया। ये नए फोन्स के लिए मैं बता रहा हूँ जिनमें सिर्फ 3 बटन होते हैं, मैं उन फोन के लिए नहीं बता रहा हूँ जिनमें एक होम बटन भी होता है। ठीक है, अगर होम बटन वाला आपके पास फोन है तब आपको क्या करना है, पावर बटन, होम बटन और ये जो माइनस बटन है ना, वो तीनों को दबा के दबाए रखना है ऑफ करने के बाद, और एक ऑप्शन खुलाएगा। बट जो नया फोन है सैमसंग के जिनमें सिर्फ 3 बटन है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ प्लस बटन, माइनस बटन, और ये जो केबल है आपकी कंप्यूटर से लगी है ना, इसको सिर्फ ऐसे लगा दो।
देखो, और यहां पे देख पा रहे होगे कि इस टाइप से कोई ऑप्शन आ रहा होगा आप लोगों में भी, ठीक। तो यहां पे क्या लिखा है, वॉल्यूम अप कंटिन्यू, तो मैंने वॉल्यूम अप दबाया और यहां पे जैसे डाउनलोड मोड पहुंचेंगे ना, वैसे देखो मेरे कंप्यूटर में कुछ तो ब्लिंक हुआ है, कुछ यहाँ कंप्यूटर में ब्लिंक हो गया है। अभी ब्लिंक होने के बाद क्या होगा कि तुम लोगों को दो जगहों पे ढूंढना है चीजें। कुछ लोगों में हो सकता है कि पीले कलर का कोई चीज आ जाए, लाल कलर का कुछ ऊपर नीचे, जैसे कम फोन कनेक्ट करो आ जाए, तो उसकी चिंता ना करना। सबसे पहले तुम्हें पोर्ट के ऊपर टैप करना है, पोर्ट में अगर कुछ नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ यूनिवर्सल सीरियल बस है, अभी भी देखो कुछ ब्लिंकिंग चल रही है इसके अंदर। यूनिवर्सल सीरियल बस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो सैमसंग मोबाइल यूएसबी सीडीसी, ये मेरे में आ रहा है। अब विंडोज 10 है मेरे में तो ये ऑटोमेटिक आ रहा है, ठीक है, बट बहुत सारे लोगों में ये नहीं आता। ये क्या होता है कि विंडो 10 के कुछ ऐसे वर्जन है जो ऑटोमेटिक ड्राइवर्स को ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों में इस टाइप से आ रहा है तब भी आप लोग जो मैं करने को बता रहा हूँ वो कर लो। जिनके में नहीं आ रहा है, जिनके में येलो कलर की कोई भी ऑप्शंस आ रहे हैं ऊपर नीचे कहीं पे भी, मैं इधर कहीं पे भी बता रहा हूँ, फोन कनेक्ट किया वो येलो ऑप्शन आने लगा, फोन हटाया वो येलो ऑप्शन गया, तो तुम्हें क्या करना है, सैमसंग के जो ड्राइवर्स है ना इनके ऊपर डबल टैप करो इस टाइप से और यस कर दो, ठीक है। यस करने के बाद अभी वो ड्राइवर का सेक्शन यहाँ पे खुल के आ जाएगा, मैं इसको नीचे कर दे रहा हूँ, और जब तक ये जो ओडिन टूल है इसको भी मैं एक्सट्रैक्ट कर दे रहा हूँ बाहर, और यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया है, बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी क्या करना है, तुम्हें नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल, और बस तुम्हें और कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल कर देना है। अगर तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर कोई टॉगल खुल के आए अलाउ करने के लिए, कोई रेड कलर का डिब्बा खुल के आए, नॉट अलाउ अलाउ लिखा होगा, तो हर टाइम मैं तुमको एक ये की बात बता रहा हूँ, की पॉइंट है, हर टाइम चाहे लाल हो चाहे वो डिब्बा वाइट हो, अलाउ ही करो। डरो मत कि मेरे कंप्यूटर के साथ क्या हो रहा है, वो ड्राइवर्स है, अनऑथोराइज ड्राइवर्स कुछ आ रहे हैं सैमसंग के जो कंप्यूटर के अंदर नहीं पड़े हैं, तो कंप्यूटर कई बार रिएक्ट कर देता है कि वो लाल कलर का डिब्बा ले आएगा, बोलेगा भैया ये ड्राइवर तो अनऑथराइज है, ब्लॉक कर दूं क्या। तो तुम्हें करना है नहीं, ब्लॉक ना करो, उसे इंस्टॉल करो, पढ़ लेना क्या लिखा है तभी बटन दबाना। अगर गलत दबा दोगे तो ड्राइवर नहीं इंस्टॉल होगा, और ड्राइवर नहीं इंस्टॉल होगा तो फोन कनेक्ट नहीं हो पाएगा। और कुछ लोगों में क्या होता है कि जैसे फोन को लगाया यहाँ पे कोई भी ब्लिंकिंग नहीं होती, तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, कई बार हो सकता है आपका जो फोन का ये जो कनेक्टर है ना वो खराब होगा। कई बार लोग बोलते हैं कि भैया मैंने चार्जिंग लगाया तो चार्जिंग तो चल रहा है, बट कंप्यूटर से लगा रहे कंप्यूटर से नहीं कनेक्ट हो रहा है। तो इस कनेक्टर के अंदर दो पिनें होती हैं, चार्जिंग की पिन, एक कंप्यूटर की पिन, तो उन दोनों में से एक पिन खराब होगी तो आप लोग कंप्यूटर के लिए इस मतलब ये जो कनेक्टर है दुकान पे आके चेंज करा सकते हो। तो जब आप इसको लगाओगे और सही से आ जाएगा तभी बढ़िया है। और अगर किसी में भी यहाँ पे लिख के आ जाए यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज ऐसा कुछ, तो इसका मतलब आपका कनेक्टर या तो खराब है, या तो केबल खराब है, या तो कंप्यूटर का जो जो मतलब बोर्ड होता है ना जहाँ पे आप लोग लगाते हो यूएसबी पोर्ट, वो खराब है। तो अभी आप लोग देख पाओगे हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो बहुत अच्छे से इंस्टॉल हो गए, और यहाँ फिनिश का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा सिंपल से फिनिश कर दूंगा, ठीक है। और अभी यहाँ पे देखोगे तो वो जो सैमसंग का इस जगह पे लिखा हुआ था वो गायब हो गया, और पोर्ट के ऊपर अगर मैं जाता हूँ अभी भी नहीं आ रहा, बट अगर मैं अपने फोन को एक बार यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दूं और उसके बाद वापस कनेक्शन दिया तो यहाँ पे तुम लोगों को देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे देख सकते हो मेरे में ऐसा आ रहा है यूएसबी सीरियल डिवाइस यहाँ पे आने लगा है। बट अगर तुम्हारे में ये नहीं आया और अभी भी सैमसंग का यहाँ पे कुछ लिख के आए, चिंता ना करना। अभी आपको क्लेरिफिकेशन कैसे करना है कि ड्राइवर सही पड़े हैं या नहीं, उसके लिए ओडिन वाला ये जो टूल मैंने डाउनलोड करा है ना इसके ऊपर डबल टैप करो, ओडिन को ऐसे खोल लो, देख सकते हो मैंने खोला, ओके कर दिया मैंने। और अगर तुम्हारे में यहाँ पे देखो इस जगह पे ID.com के ऊपर अगर मतलब ब्लू कलर का अगर कुछ भी आने लगा है, अगर ब्लू कलर का यहाँ कुछ भी आने लगा है इसका मतलब है तुम्हारे ड्राइवर बहुत ही अच्छे से डाउनलोड हो गए हैं और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, सब कुछ सही है। और अगर किसी में नहीं आया है बाई चांस, मैं उन लोगों के लिए बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए USB सीरियल डिवाइस लिखा है ना, अगर मेरे में ये आ रहा है, हो सकता है कुछ लोगों में और आ गया हो ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करो, अपडेट ड्राइवर्स के ऊपर जाओ, ब्राउज माय कंप्यूटर, लेट मी पिक, और यहाँ पे देखो सैमसंग मोबाइल USB CDC है ना, इसके ऊपर अगर टैप कर दोगे तो आप देख सकते हो इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स हो रहा है, और अभी यहाँ पे बहुत अच्छे से इंस्टॉल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, ये सही से इंस्टॉल हो जाने वाला है। और उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा ऑटोमेटिक देखो जैसे यहाँ पे इंस्टॉल हुआ वहाँ पे देखो मेरा ब्लू कलर का आ गया, तो तुम लोगों को अपने ड्राइवर को अपडेट कर देना है, और वो जब वहाँ से हो जाएगा ना तो पहले यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखो ये पहले से था हमारे में, बट मैंने फिर भी तुमको बता दिया। और याद रखना
ज्यादातर लोगों का फोन इसीलिए कनेक्ट नहीं होता क्योंकि ड्राइवर्स नहीं सही से पड़े होते हैं, प्लस उनका यूएसबी पोर्ट खराब होता है, केबल खराब होती है, और कई बार कंप्यूटर का यूएसबी पोर्ट भी खराब होता है। तो प्लीज हर एक चीज की सही से जांच कर लो और उसके बाद इस टूल को इंस्टॉल करना। देख सकते हो तुम लोग, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने किया और मेरे में आ गया। इसका मतलब वीडियो फेक नहीं है, तरीका फेक नहीं है, सब कुछ एकदम सही है और तुम्हारे में भी ये आएगा। इसलिए प्लीज वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और हमारी जो अगली वीडियो होने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ्लैश फाइल को कैसे स्टूल के अंदर सेटअप करना है और कैसे अपने फोन को बस फ्लैश कर देना है, ठीक है। और अगर आप लोगों को मतलब पूरी फ्लैशिंग की प्लेलिस्ट चाहिए तो आई बटन के ऊपर चले जाइए, फ्लैशिंग की प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी। सो आई होप सो कि वीडियो में मजा आएगा, वीडियो में मजा आया तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में।